साइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। चलो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, दो वेक्टर दिया आपको ए एंड बी, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया आपको 20 न्यूटन एंड 40 न्यूटन, राइट, एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। यू हैव टू फाइंड रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन, ये दोनों चीजें आपने निकाल ली। सी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ ए स्क्वायर, सो 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, 2 into 20 into 40 into cos 60, cos 60 होता है हाफ, ये सब्स्टिट्यूट किया, ये हो गया आपको 400 हो गया 1600 प्लस 800 हो गया, दैट इज रूट ऑफ 2800, दैट इज 20 रूट 7। ना रूट 7 कितना होता है, रूट 7 इज 2.65 के आसपास होता है, 20 रूट 7 इज नियरली 2.65, तो 2.65 इंटू 20 ये अप्रोक्सीमेशन है, राइट, तो ये कितना हो गया मेरे 53 यूनिट्स आ गया। सो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज अप्रोक्सीमेटली 53 यूनिट्स, ओके समझा। अब रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन बताओ, बताओ कोई अल्फा, कौन से डायरेक्शन किसके साथ निकाला, 20 के साथ या 40 के साथ, दोनों के साथ अलग अलग एंगल आएगा, ये एंगल 40.8 किसके साथ निकाला है, ये कंफ्यूज मत होना, ये स्पेसिफाई करना पड़ता है 20 न्यूटन के साथ ये एंगल है या 40 न्यूटन के साथ, तो किसके साथ ये एंगल निकाला है चिन्मय, सो वो नहीं पता, वो फॉर्मूला में बस डाल दिया, तो वहां पे फॉर्मूले में ए के साथ एंगल था ना, इसलिए तो मैंने स्पेसिफाई किया था अल्फा इज द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विद ए वेक्टर, तो ए की जगह क्या डाला था, 20 या 40, 20 डाला था, हाँ तो ये 20 न्यूटन के साथ एंगल है भाई, अब यहाँ पे ए और बी तो रहेगा नहीं, यहाँ तो 20 40 रहेगा, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा लेट अल्फा बी द एंगल एंगल विच रिजल्टेंट मेक्स विद 20 न्यूटन, वैसे एक हिंट दूंगा मैं, आंसर अपने आप से सब सही हो जाता फिर, तो टैन अल्फा इज बी साइन थीटा, जिसके साथ एंगल है वो सिर्फ एक ही बार नीचे आता है, मैं ऐसा स्टूडेंट हमेशा भूल जाता था कि कौन ए कौन बी कहाँ अल्फा, कुछ याद रहता नहीं था, तो मैं इतना याद रखता था जिसके साथ एंगल अल्फा है वो नीचे एक ही बार आएगा, फिर मेरे से गलती नहीं होती, तो ऊपर डाल दिया 40 sin 60, नीचे डाल दिया 40 cos 60, तो cos 60 कितना हो गया, cos 60 हाफ, 20 प्लस 20 40 कैंसिल, रूट 3/2 इज 0.866, सो tan अल्फा का वैल्यू हो गया रूट 3/2 दैट इज 0.866, तो अल्फा का वैल्यू आएगा ये कितना आएगा, 45 पे 1 आता है, 30 पे 0.577 आता है, तो उनके एकदम बीच में है, तो 38 डिग्री 39 डिग्री होगा कुछ, 40 डिग्री 48 मिनट, इसे आंसर ओके समझा। दिस इज द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विद, रिजल्टेंट मेक्स विद 20 न्यूटन नहीं लिखना चाहिए, यूनिट लिखना चाहिए ना सी। अब छोटे छोटे ट्रिक क्वेश्चंस करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन क्या है, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर सच दैन the
have their resultant equal to their magnitudes. Find angle between them. करे मैं और क्वेश्चन सोच सोच के लिखता हूँ, आप करते जाओ, फिर मैं तीन चार क्वेश्चन के बाद बताता हूँ. Thank you.
चलो दीज आर फोर क्वेश्चंस आर रिटन 1 2 3 4 हाँ चलो पहले चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोला लेट्स सी मैग्नीट्यूड भी सेम वर्क्स उनके मैग्नेट का मैग्नीट्यूड भी सेम है तो क्या एंगल होना चाहिए दोनों के बीच में ओके सी दोस हु कैन डू सी यार सी व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला तो सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट वन Resultant is root of a square plus b square plus 2ab cos theta. यहाँ क्या दिया हुआ है? A का magnitude, b का magnitude और resultant का magnitude सब same है. Replace all of them by any number. A लिख दो, b लिख दो, r लिख दो कुछ में. तो सबको a लिख देता हूँ चलो तो a square root हट जाएगा. A square plus a square plus a into a 2a square cos theta. राइट ए स्क्वायर कट तो कॉस थीटा का वैल्यू माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर ये आया माइनस हाफ कॉस थीटा का वैल्यू माइनस हाफ आया सो ये मैंने आप लोगों को सिखाया था कि थीटा कैसे डिटरमाइन करना है कॉस थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है cos theta की वैल्यू हाफ होती है 60 डिग्री पे तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री हो जाएगा तो थीटा इज 120 डिग्री रिजल्टेंट का रेडी फॉर्मूला है मेरे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है राइट इस क्वेश्चन में दिया था मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स इज सेम मतलब a और b का मैग्नीट्यूड सेम है तो समझ लो a इज इक्वल टू b By magnitude of A vector is A, magnitude of B vector is B. So A का value B हो गया. And coincidence है या data दिया हुआ है कि resultant का magnitude भी उतना ही है. तो R is also equal to A. So magnitude of A, magnitude of B, magnitude of resultant all are equal. So A, B and R are equal. So मैंने ये formula में जहाँ जहाँ R लिखा है जहाँ A लिखा है जहाँ B लिखा है एक number डाल दूँ कुछ भी A लिख दिया. स्क्वायर कर दिया पहले तो आर का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे राइट यहाँ पे स्क्वायर डाल दो आप तो स्क्वायर का रूट कैंसिल है ए का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस टू ए का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा तो एक ए स्क्वायर कैंसिल ये बचा माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर तो कॉस थीटा इज माइनस हाफ तो थीटा इज 120 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स मेक्स 45 डिग्री विद वन ऑफ देम If magnitude of other is doubled, resultant makes angle 90 degree with it. If magnitude one of one, angle of resultant with which is measured be 10 newton, find magnitude of other and angle between them. तो शायद से थोड़ा सा grammatical error है तो नहीं but पढ़ने में अजीब लग रहा है कहने का मतलब ये है कि दो vectors हैं क्या क्या है वो मुझे मालूम नहीं right? इन दोनों का जो resultant है वो इसके साथ 10 न्यूटन वाले के साथ पहले 45 डिग्री बना रहा था राइट फिर इसको डबल कर दिया दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड मैंने डबल कर दिया तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया ठीक है ये एंगल 45 की जगह 90 हो गया तो आपको डिसाइड करना है दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उनके बीच का एंगल थीटा क्या होगा थीटा एंड ये समझ लो ए है तो ए का मैग्नीट्यूड 10 है थीटा का पता नहीं बी का पता नहीं पहले बार रिजल्टेंट 45 बना रहा था दूसरे बार 2b कर दिया तो रिजल्टेंट 90 डिग्री बना रहा है तो आपने बी निकालना है और थीटा निकालना है नहीं आया तो मैं स्टार्ट करूं बोर्ड पे सॉल्व करना ठीक है सी इसमें रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का डिस्कशन है ही नहीं राइट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है वो सब कुछ दिया नहीं
तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। रिजल्टेंट के इंक्लिनेशन की बात हो रही है, फर्स्ट टाइम में इंक्लिनेशन 45 है, दूसरे टाइम में इंक्लिनेशन 30। तो पहली बार में जब टैन अल्फा कितना होता है, ये ए है ये बी है, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस। तो पहली बार में अल्फा का वैल्यू 45 था, जब ना बी पता है ना थीटा पता है, बस ये टेन पता है, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी बार में यही एंगल 90 डिग्री हो गया, टैन 90 पता है, जब बी का मैग्नीट्यूड मैंने डबल किया था, 2b साइन थीटा अपॉन ए प्लस 2b कॉस। दिस इज सेकंड इक्वेशन, ये देख लो दोनों इक्वेशन आपको समझ में। ए का वैल्यू 10 है, सॉरी ए का वैल्यू 10 है, ठीक है। अच्छा ये बताओ भाई, सब लोग देख लो ये एंगल, ये कॉन्सेप्ट, ये दोनों इक्वेशन समझ में आए। अब ये दो इक्वेशन आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो कितने अननोन है, दो अननोन है, दो इक्वेशन है। मैथ्स अलाउ करता है हमको जैसा मर्जी इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब ये इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए ये सॉल्व होगा, भले आंसर कभी डेटा अच्छा ना हो तो उसके साथ अजीब सा आंसर आए, बट सॉल्व तो होना चाहिए ये, राइट। सर 1090 की जगह 1/0 रखेंगे, नॉट डिफाइंड, या 1/0 कह लो, मतलब डिनोमिनेटर 0 है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो भाई tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, बट ये फ्रैक्शन कैसे, ऐसे कैसे नॉट डिफाइंड हो जाए, ये नॉट डिफाइंड तभी होगा जब डिनोमिनेटर 0। तो डिनोमिनेटर 0 है, सिंस tan 90 इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर 10 प्लस 2b cos थीटा का वैल्यू 0 आ जाए। डिनोमिनेटर शुड बी 0, इसमें डिनोमिनेटर जो है आपका वो 0 होना चाहिए। तो यहां पे बी कॉस थीटा की वैल्यू -5 आएगी, बी कॉस थीटा की वैल्यू -5 हो गई। अब यहां सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, टैन 45 कितना है, टैन 45 हुआ 1 इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन 10 प्लस बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा हुआ 5, 10 माइनस 5 हुआ 5, मतलब बी साइन थीटा हुआ 5। तो बी कॉस थीटा हुआ -5, बी साइन थीटा हुआ +5। ये तो मतलब दो इक्वेशन है, इनमें से एक भी सॉल्व नहीं हो पाया, बट अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों सॉल्व हो गए। बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा से बी कैसे निकलेगा, इतनी ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ ली है, b sin थीटा पता है, b cos थीटा पता है, b कैसे आएगा, कोई ट्रिक याद आ रही हो तो, इतनी ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ ली है, tan थीटा -1 है तो थीटा का वैल्यू 135 डिग्री आ जाएगा, sin 135 सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/√2 हो जाएगा, b का वैल्यू 5√2 हो गया। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो दूसरे मेथड भी है अपने पास, कैसे, ये बड़ी कॉमन सी ट्रिक है, बी साइन थीटा पता है, बी कॉस थीटा पता है, मतलब समझो बी पता है, कैसे, स्क्वायर एंड ऐड, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज 25 प्लस 25, बी स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 इज 50, तो बी का वैल्यू हो गया 5√2, ठीक, b का वैल्यू 5√2 इसमें डाल लो, तो cos थीटा का वैल्यू -1/√2 एंड sin थीटा का वैल्यू +1/√2। भाई होना तो इसके हिसाब से 45 चाहिए, बट इसके हिसाब से नहीं बैठ रहा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो थीटा का वैल्यू 135 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b इज 5√2 एंड एंगल बिटवीन देम इज 135 डिग्री, राइट। आई होप समझ में आया और मजा भी आया, दो बच गए, प्लीज इनको आप ऐसा होमवर्क ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन, ठीक है।